नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद दुल्लापुर थाना क्षेत्र की, जहां पर फल सब्जी तमाम चीजों की छठ पर्व को लेकर तैयारियां पूरी तरह से दुकानदार अपनी कर रखे हैं। वहीं आज छोटी कल बड़ी और परसों अर्घ के साथ ही छठ पर्व की समाप्ति की जाएगी। वहीं छठ पर्व को लेकर देख सकते हैं मार्केटों में आज से ही महिलाओं की भीड़ जमी हुई है। सभी लोग फल और जरूरत की सभी सामानों की खरीदारी आज ही कर रहे हैं और कल दो दिन लगातार चलेगा मार्केट में। चारों तरफ जिधर देखिए उधर भीड़ ही है, चारों तरफ फल टेंट लगाकर ठेला रेड़ी पर और तमाम तरीके से अपने अपने दुकानों को सजाए हुए हैं। किस चीज की कितनी महंगाई है आइए जानते हैं। एक फल बिक्री, क्या नाम आपका? लाल बहादुर मदेसिया। लाल बहादुर जी, छठ पर्व पे अगर मैं बात करूं फल की, तो कौन से फल ऐसा है जिसका दाम ज्यादा हुआ है और कौन से फल का सस्ता हुआ है मैक्सिमम? अनास हुआ, अनार हुआ, ये सब महंगा हुआ है। और जो फल जैसे है नारियल है और संतरा है, मौसमी है, ये कुल पहले के अपेक्षा वही रेट है समझिए। और महंगाई खाली अनास और अनार भाई दो चार तेजी है, बहुत ज्यादा तेजी है अनार और अनास। अनास जी। छठ पर्व कब और कैसे मनाया जा रहा है इस समय? इस समय बिक्री डाउन है, चला है और अच्छा से बीत रहा है, समझ लीजिए मतलब शांति भाव से चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब भगवान की अपेक्षा जो निकल जाएगा तो 4-5 हजार मिल जाएगा, मिल जाता है समझ लीजिए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के तालाबों की बात करें तो अपने अपने घाटों पर अपने अपने बेदी को लिपाई पुताई रंगाई सब कुछ करके अंतिम रूप दे रहे हैं, क्योंकि आज शाम को भी यहां पर पूजन पाठ करने के बाद कल अर्घ और परसों सुबह समाप्ति की जाएगी। खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड जरूर करें।